गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोगों का शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल हाई बन हेयर स्टाइल थ्री। बहुत ही आसान और न्यू तरीके से बताने वाली हूँ, बिल्कुल नए हेयर स्टाइल हैं। हाई बन हेयर स्टाइल तो आपने बहुत सारे देखे होंगे और बहुत ईजी ट्रिक बताऊँगी। अगर आपका हाई बन नहीं बन पाता है, लॉन्ग टाइम तक टिका नहीं रहता है, तो आप इस तरीके से ट्राई करोगे तो आपका लॉन्ग टाइम तक हाई बन जो है वो टिका रहेगा और काफ़ी स्टाइलिश लुक देगा। तो चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। और स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑल वीडियोज मैं अपने सेकंड चैनल पर लेकर आते रहती हूँ, जो जिसका नाम प्रीत तिवारी 2 है। सेकंड चैनल का नाम स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑल वीडियोज आपको उस चैनल पर मिल जाएंगे। प्रीत तिवारी 24 मेरी इंस्टा आईडी है, तो प्लीज़ वहाँ पर भी जाके फॉलो कर लीजिएगा। और मैंने ये हेयर कलर किया है जो कि बहुत नेचुरल दिख रहा है, बालों में बहुत ज़्यादा शाइनिंग आ गई है, बाल कहीं से भी उलझते नहीं है। कैसे कलर किया है, किस तरीके से अप्लाई करना है, सब कुछ पूरा डिटेल वीडियो मैंने अपलोड कर दिया अपने चैनल पे, एक दो दिन पहले अपलोड किया। प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिए। तो अगर आपके और हाँ 100% ग्रे हेयर को कवर करता है। मेरे हेयर यहाँ पे और इस साइड में बहुत ज़्यादा वाइट हो गए थे, जो कि बहुत अच्छे से कलर हो चुके हैं और बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैंने कलर लगाया, एकदम नेचुरल कलर आया है। तो आप जाके वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। तो फर्स्ट हेयर स्टाइल जो होगी उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इस तरीके की दो रबड़ बैंड की ज़रूरत पड़ेगी, एक पतला वाला एंड मोटा वाला रबड़ बैंड ले लीजिए। फर्स्ट हेयर स्टाइल में आप दो मोटे रबड़ बैंड भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इस तरीके से अपने हाफ हेयर को ले रही हूँ। हाफ हेयर को लेंगे, जितना हाई पोनी आपको बनाना है वहाँ पे आप हाफ हेयर लेके और एक पोनी बना लेंगे। ओके, बहुत ही अच्छा है, ऑफिस गर्ल्स के लिए भी काफ़ी अच्छा लगेगा ये हेयर स्टाइल। तो यहाँ पे मैं पतला वाला रबर बैंड यूज कर रही हूँ ऊपर वाले डायरेक्शन के लिए, ऊपर वाले हेयर के लिए सॉरी। ओके, अब बैक साइड के जितने भी हेयर बचे हैं उनको अगेन ऊपर की तरफ फॉर्म करके ले आएंगे, जहाँ पे हमने पहला पोनी का रबड़ लगाया है। जस्ट जो आपने पहले पोनी बनाई हुई है उसके पास लाके रबड़ बैंड को लगाना है। यहाँ पे भी क्योंकि ये मेरा हेयर अभी जो नीचे के हेयर हैं वो काफ़ी पतले लग रहे हैं, तो आप इसके लिए थोड़ा पतला रबड़ बैंड यूज कर सकते हो फर्स्ट हेयर स्टाइल में। टाइटली रबड़ बैंड को लगाना है। ओके, अब जो ऊपर वाला हेयर था उसको थोड़ा सा लूज करेंगे। लूज करके इस तरीके से नीचे की तरफ सारे हेयर को खींच देंगे। उसके बाद ये जो होल हुई है उसके अंदर से फिंगर को इस तरीके से इंसर्ट करना है और जो हेयर नीचे वाली पोनी का था उसको खींच लेना है और अच्छे से इस वाले हेयर को टाइट कर देना है और ऊपर के हेयर को छोड़ देना है। तो ये ट्रिक बहुत ही इजी है एंड आपके पोनी को हाई एंड लॉन्ग लास्टिंग बना देता है। आप इस तरीके से अपना फर्स्ट हेयर स्टाइल कम्प्लीट कर सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो गया, हेयर वॉश किया मैंने, जिसकी वजह से मेरे थोड़े से हेयर अगर डैमेज दिख रहे हैं तो प्लीज़ इग्नोर इट एंड हेयर साइड पे फोकस कीजिएगा। तो देखिए किसी भी साइड तरफ से आपका रबड़ बैंड दिखेगा नहीं एंड जो बेबी हेयर्स हैं या फिर निकल जा रहे हैं हेयर, तो आप यहाँ पे यूपिन या फिर क्लिप की मदद से अच्छे से हेयर को सिक्योर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक क्लिप लगा दे रही हूँ। तो फर्स्ट हेयर स्टाइल हमारा ये है हाई पोनी टेल का। तो इस तरीके से अगर आपका हाई पोनी टेल हाई नहीं दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है, तो आप इस तरीके से ट्राई कीजिए, डेफिनेटली अच्छा दिखेगा एंड अच्छे से आपका होल्ड हो जाता है। कहीं से भी ऐसा नहीं है कि रबर बैंड दिख रहा है या फिर आपको लगेगा कि ऑड लग रहा है, बिल्कुल अच्छे से हेयर स्टाइल हमारा बन गया है। चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। अभी हम लोग सेकेंड हेयर स्टाइल करेंगे। सेकेंड हेयर स्टाइल के लिए आपको क्या करना है, सिंपली अपने फ्रंट का जो हेयर है उसको थोड़ा सा हेयर को ले लेना है
और इस तरीके से लेना है। ओके, फ्रंट की तरफ भी कॉम करेंगे। जैसे मैं कर रही हूँ एग्जैक्ट ऐसे ही करना है आपको भी। अब इसमें आपको एक सिंपल सी चोटी बना लेनी है। चोटी को एकदम टाइटली बनाना है, लूज नहीं करना है। ओके, इस तरीके से गूंथने के बाद से आप एक रबड़ बैंड यहाँ पे लगा दोगे। और हेयर को थोड़ा थोड़ा सा खींचेंगे जिससे जो हमारी चोटी है वो बहुत पतली ना दिखे। ओके, इस तरीके से खींच के फ्रंट के हेयर को ऐसे ही छोड़ देना है। देन सारे हेयर को एक हाई पोनी बना लेनी है। अब अगेन मैं रबड़ बैंड ले रही हूँ और टाइटली रबड़ बैंड को लगा दूंगी। जो मेरा बैक का हेयर है वो बहुत ड्राई दिख रहा है, तो उसके लिए मैंने सेटिंग स्प्रे लिया है और अच्छे से कॉम कर दूँ ताकि ये ज़्यादा फ्रिजी ना दिखे। अब ये जो आपने पोनी बनाई थी इसको बैक में लेके जाएंगे, यहाँ से एक होल करेंगे चोटी के अंदर और सारी पोनी टेल के हेयर को पीछे की तरफ खींच देंगे और टाइट कर देंगे। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया, सेकेंड हाई पोनी टेल हेयर स्टाइल। तो कुछ इस तरीके का लुक आएगा इसको, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। ये भी आप बना के ऑफिस वगैरह जा सकते हो एंड अगर छोटी बच्चियां हैं आपके घर में तो उन पे भी ट्राई कर सकते हो ये वाला हेयर स्टाइल। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया और काफ़ी अच्छे से मैनेज हो गया है। चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। अगर आपको रबड़ बैंड अच्छा नहीं लग रहा है, दिख रहा है रबड़ बैंड तो दिख अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इस तरीके से थोड़ा सा हेयर का सेक्शन ले लो और रबड़ बैंड के चारों तरफ लपेट के और एक यू पिंस की मदद से इसको सिक्योर करें। तो पोनीटेल का लुक जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। तो है ना, ब्यूटीफुल सा हाई पोनीटेल हेयर स्टाइल और बिल्कुल डिफरेंट एंड न्यू तरीके से बनाया है। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल में भी सेकंड हेयर स्टाइल की तरह ही फ्रंट से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हेयर ले लेना है। ओके, बाकी सारे हेयर को एक हाई पोनीटेल बना देंगे। बिल्कुल जितना हाई आपको बनाना है उतना हाई आप रख सकते हो, आपकी चॉइस है। टाइटली मैंने यहाँ पे पोनी बना ली है। पोनी आपके एकदम सेंटर में होनी चाहिए और जो आपने फ्रंट में हेयर छोड़ा है उसको टू पार्ट्स में इस तरीके से कर लेंगे और फिर अगेन हमने यहाँ पे चोटी बनानी है। टाइटली बनानी है चोटी को, लूज नहीं करना है।
तीनों हेयर स्टाइल डिफरेंट हैं एंड स्टाइलिश हैं। अगर आपके बाल लॉन्ग हैं तो भी हेयर स्टाइल काफ़ी खूबसूरत लगेगी आपके बालों पे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे चोटी को गूंथ रही हूँ। ओके, इसी तरीके से सेकेंड साइड भी हमको गूंथ लेना है। तो ये दोनों चोटियाँ हमने बना ली है, अब इसको क्या करना है, दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे और रबड़ बैंड लगा देंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे, क्रॉस करेंगे आपस में और जो पोनी का हेयर है इस तरीके से क्रॉस करेंगे और जो पोनी का हेयर है उसको सारे हेयर को इसके नीचे से इस तरीके से लेके जाएंगे और इसको बैक साइड में इस तरीके से रबर बैंड के जस्ट नीचे से लगा देंगे और ये कुछ इस तरीके का हेयर स्टाइल हमारा बनके रेडी हो जाएगा। ये भी काफ़ी अच्छा दिखता है और आप इसको भी छोटी बच्चियों पे भी ट्राई कर सकते हो और आपने अगर वेस्टर्न ड्रेस पहना है तो खुद पर भी ट्राई कर सकते हो। तो कैसा लगा, आप चाहो तो अगेन रबड़ बैंड को हाइड कर सकते हो थोड़ा सा और अच्छे से अच्छा लुक दिखाने के लिए और यू पिन से इसको सिक्योर कर दो। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया, थर्ड एंड लास्ट हेयर स्टाइल, डिफरेंट न्यू हाई पोनीटेल। तो आपको कौन सा हेयर स्टाइल सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेगा ताकि और भी इसी तरीके की अमेजिंग हेयर स्टाइल की वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर आते रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।